आज मैं आपको L&T का MD कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले ये दो बटन दबाना पड़ता है सिमिलरली, ये सेटअप है इसका। डाल पासवर्ड, पासवर्ड विल बी 0000। एंटर एंटर एंटर। ये कॉन्फ़िगरेशन है, थ्री फेज फोर वायर और थ्री सिंगल फेज और थ्री फेज थ्री वायर। मेरा तो थ्री फेज फोर वायर है, मैं तो ये सेलेक्ट कर रहा था। बाद में एंटर दबा दीजिए। अभी नेक्स्ट पैरामीटर PT प्राइमरी, ये 11 KB अभी प्रोग्राम कर चुका है, मेरा तो 33 KB था। मैं चेंज कर रहा हूँ, एंटर एंटर एंटर। अभी 33 KV, एंटर। CT प्राइमरी 33। नेक्स्ट CT सेकेंडरी 110 वोल्ट्स, ये तो चेंज है, अगर चेंज करने जरूरत नहीं है इसको। PT सेकेंडरी 150 एम्स, मेरा तो 200 एम्स था। एंटर। एंटर एंटर एंटर। मेरा CT प्राइमरी 200 हो गया था। नेक्स्ट पैरामीटर CT सेकेंडरी 5 एम्स है मेरा, ये ज़रूरत नहीं आपको। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट 12th month 20th तारीख, ये टाइम है आपका। ये स्लाइडिंग मोड है, एक्चुअली आपको स्लाइडिंग एंड ब्लॉक विंडो दो मेथड रहता है। आजकल तो स्लाइडिंग ही यूज़ कर रहा था, अगर सपोज चाहिए तो आप ब्लॉक विंडो यूज़ कर सकते हैं। एंटर। नेक्स्ट पैरामीटर, ये डिमांड पैरामीटर KVA, इसमें आता है आपको KVA वाट्स VAR। मेरे को KVA चाहिए था सो VA लिया था। नेक्स्ट पैरामीटर, ये MD इंटीग्रेशन पीरियड है 15 मिनट्स, जनरली 15 मिनट्स 30 मिनट्स यूज़ करता है, मेरा MD इंटीग्रेशन पीरियड है 15 मिनट्स, सो मैं इसी को ऐसे रखूँ। नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये नंबर ऑफ TOD के ऊपर होता है, मैं तो एक ही स्लॉट यूज़ कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो 6 स्लॉट तक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो एक ही स्लॉट यूज़ कर रहा था, अगर सपोज आपको दिन में 4-5 स्लॉट लेना है तो 4-5 टाइम एंटर कर सकते हैं, 4 लेके, मैं तो एक ही लिया था। स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम है मिडनाइट 00 आवर्स पे, स्लॉट एंड हो जाएगा रात में 12 बजे, 1 मिनट पहले। नेक्स्ट डे फिर वापस चालू हो जाएगा। बाद में एक ही स्लॉट चेंज किया तो बाद में ये स्लॉट्स मेरे को ज़रूरत नहीं है, अगर 2-3 स्लॉट आप ले लिया तो इसको बाद में चेंज करना पड़ता है। मेरे तो एक ही स्लॉट था, 6 स्लॉट हो गया था। अभी इंटीग्रेशन है, अभी रिले 1, अपना MD मेरा तो 1600 KV MD था, मेरे पहले रिले एक्टिवेट होगा 1400 पे, दूसरा रिले 1450 पे एक्टिवेट होगा, 1490 थर्ड रिले, ये 1550, मेरा तो 1600 MD था, मेरा तो 1550 मैक्सिमम लगे थे, फोर्थ रिले वाला। ये पूरा ज़रूरत नहीं है आपको, अगर स्लॉट 4-5 लिया तो इसमें भी प्रोग्राम करना पड़ता है। स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6, ये एनर्जी स्लॉट है, एक ही स्लॉट लिया था मैं भी, इसका टाइम भी सेम 12 बजे रात में एंड हो जाएगा, ये ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये कम्युनिकेशन के लिए बॉड रेट 9600, ये पैरिटी इवन आर नन, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये स्लेव आईडी है N1, नंबर ऑफ वोल्ट्स पर। ये अगर CT आपको रिवर्स है तो, अगर लॉक करना है तो इसको लॉक कर सकते हैं, अभी तो लॉक नहीं किया, आप लॉक एस करेगा तो आप लॉक हो जाएगा, अगर अभी आपका CT रिवर्स है तो लॉक हो जाएगा, मैं तो नो कर रहा हूँ। ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड 00 डिफ़ॉल्ट है, अगर चेंज करना है तो कंपलसरी भी याद रखना है, अगर भूल गया तो अगर L&T के पास भेजना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एनर्जी रिजोल्यूशन है, ये स्टार्टअप एम्पियर, अगर लोड पे
मतलब 4% से स्टार्ट करने के लिए मैं प्रोग्राम आप कर सकते हैं कभी भी, स्टार्टिंग एम्पियर का ये डिस्प्ले का अपडेट टाइम है 1 सेकेंड, आप चेंज करना है चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले अपडेट के लिए। ये ऑटो टाइम है, डिस्प्ले का हर एक पैरामीटर चेंज करने के लिए 5 सेकंड लेता है, आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ये ज़रूरत नहीं आपको, ये फ्लोट में रहेगा कभी भी। ये स्लॉट चेंज ओवर करने के टाइम पे अगर ब्रेकर या लोड कुछ ट्रिप करना है तो ये एस करेगा तो ट्रिप हो जाएगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं स्लॉट चेंज करने के टाइम पे इसमें नो में रख दीजिए। ये फाइनली सेव बोल एस बोल का आएगा, ये एंटर बटन दबा दिया तो सेव हो जाएगा।